जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जिल्हा पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे कॅम्प आहेत. याच कॅम्पच्या माध्यमातून नक्षल कारवायांवर थेट नियंत्रणासाठी मोर्चाबंदी होत असते. मात्र गेले महिनाभर देश आणि राज्यात सुरू असलेल्या कोरोना साथरोग विरोधी या मोर्चांसाठी देखील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान खंबीरपणे उभे ठाकले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात 191 CERPF बटालियन वडसा शहरात तैनात आहे. या शहरात स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाच्या मदतीनं कोरोनाविरोधी अभियान राबवलं जात आहे. गर्दीच्या ठिकाणी जंतुनाशकांची फवारणी, गरजूंना स्वच्छताविषयक वस्तूंचं वितरण आणि विविध ठिकाणी मेडिकल कॅम्पची उभारणी, कोरोना संदर्भातील अफवांना पायबंद घालण्यासाठी संयुक्त रूट मार्च यासह विविध उपायांमध्ये CERPFची 191 बटालियन खांद्याला खांदा लावून उभी आहे. मात्र या बटालियनचे सर्वात मोठं यश आहे ते रोज 1000 लोकांसाठीचं भोजनदान. गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा शहरात लॉकडाऊन दरम्यान 2 लग्नांच्या वराती अडकून पडल्या आहेत. गरीब गरजू घटकातील या लग्नवरातींकडे आपल्या घरी परतण्यासाठी कुठलंही साधन नाही आहे. या लग्नाच्या वरातीत आलेले दोन्हीकडचे पाहुणे आता CERPFचे पाहुणे ठरले आहेत. याशिवाय वडसा शहरात आसपासच्या असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना आणि गरजूंना रोज 2 वेळ पोटभर जेवण दिलं जात आहे. CERPFच्या या पुढाकारानं नागरिक सुखावले आहेत. हमारा रोज का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हो जाता है. 7:30 बजे से हमारी 2 गाड़ियां निकलती हैं जो सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन है लेकर के यहाँ का हॉस्पिटल से लेकर बैंक्स, ATMs, बाकी शहर की आवाजाही की जगहें और गांव के दूरदराज एरिए तक जो भी जगहें ऐसी हैं जो आवाजाही की हैं उन पर जा करके हम सोडियम हाइपोक्लोराइट से उनका छिड़काव करके, स्प्रे करके, मोटराइज मशीनों से उनको, उन एरियों को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करते हैं. सैनिटाइज़ करने के बाद आने के बाद हमारी दो टीमें फिर से निकलती हैं खाना लेकर के. जो दिन में 7-8 पॉकेट्स जो हैं यहाँ पर, जिनमें स्टैंडर्ड लेबर्स हैं, जो यहाँ के राइस मिल्स हैं, मतलब वो जो वर्सा में डॉक्टर्स हैं वो आकर के फिर उनकी टीम आकर के उनका प्रॉपर चेकअप करके अगर उनको क्वारंटाइन करना होता है तो उनको क्वारंटाइन करती है. ये भी एक आपको बता देता हूँ कि जो क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ का, उसमें भी 30-40 लोगों के लिए हम उनको डेली 3 टाइम का खाना उनको मुहैया करवाते हैं ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो जो क्वारंटाइन है लोग. तो ये सिर्फ लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है. 5 अप्रैल 2020 को मेरी स्वयं की शादी की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं भी अपने घर पर नहीं जा पाया और लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ. और हर रोज 191 बटालियन CERPF देसाईगंज वर्षा इसी तरह जब से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से हर जरूरतमंद को खाना. हाँ जी, हम लोगों आए थे बाहर से, न गंगोटी का धंधा पानी करते हैं हम लोगों. हम लोगों का धंधा पानी ठप हो गया है. खाने पीने के लिए हम लोगों को कोई साधन नहीं था. लॉकडाउन हो गया, हम लोगों रुक गए यहाँ पर में. घूमते रहो. लॉकडाउन हो गया, हम लोगों रुक गए यहाँ पर में, इसीलिए हम लोगों को खाने पीने का साधन नहीं था. थोड़े हम लोगों बाल बच्चे वाले गरीबी हालत से नहीं हो रही थी, तो साहब लोगों ने यहाँ पर में साहब लोगों ने हमारी हेल्प करे, खाने पीने का दोनों टाइम का खाना देते हैं हम लोगों को, उसी को खा के हम लोगों ने अभी यहाँ पर ठीक है. उन्हीं के सहयोग से हम लोगों ने सपोर्ट में से थोड़ा अच्छा है यहाँ पर में खाते, दोनों टाइम खाना आता है उसी को खाते जी हम लोगों. उनका बहुत बहुत धन्यवाद.